Hi, I'm Dr. Amit Joshi. I'm MD Medicine. I'm working as a sexologist, diabetologist, hormone expert in Jaipur. And I got a question from my patient about micropenis. उसको ऐसा लगता है मेरे एक मरीज को कि उसका पेनिस छोटा है. ऐसा रोज मेरे पास सवाल आता है और वो लोग बोलते हैं कि उनका पेनिस का साइज छोटा है या उनको ऐसा लगता है कि उन लोगों का साइज दूसरे लोगों से कम है. तो माइक्रोपेनिस क्या है? माइक्रोपेनिस एक हमारे को ऐसा लगता है कि पेनिस का साइज कम होना माइक्रोपेनिस है. माइक्रोपेनिस एक मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है. यदि हमारा पेनिस इरेक्शन के बाद एक इंच से कम है तो वो माइक्रोपेनिस है. इरेक्शन के बाद लोग सोचते हैं कि यदि पेनिस नॉर्मल है और वो लंबा रहना चाहिए. नहीं, वो लंबा नहीं रहना चाहिए, वो छोटा रहना चाहिए. पेनिस जो है जब इरेक्ट होता है तब उसकी साइज नापी जाती है. यदि आपका पेनिस 2.5 इंच से ज़्यादा है, 2.5 से 4.5 इंच के बीच इरेक्शन के बाद आ रहा है तो वो माइक्रोपेनिस की कैटेगरी में नहीं आता है. माइक्रोपेनिस अक्सर उन लोगों में होता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है, या वो लोग जिनके टेस्टिस डेवलप नहीं हुए, उनको बोलते हैं हाइपोगोनाडिज्म. तो यदि हाइपोगोनाडिज्म हो रहा है, आपका टेस्टिस बहुत छोटा है, एक छोटी सी गोली जैसा, तो आपके माइक्रोपेनिस हो सकता है. तो ऐसी कंडीशन के अंदर बड़ा सिंपल सा इलाज होता है. यू नीड टू कंसल्ट विद समवन, एक अच्छे से यूरोलॉजिस्ट से मिले या सेक्सोलॉजिस्ट से मिले जो इस चीज को जानता है, तो आपका पेनिस का साइज बढ़ाया जा सकता है यदि वो आपके माइक्रोपेनिस कैटेगरी में आ रहा है तो. अगर यदि हम इस चीज को और देखें तो पेनिस का जो साइज है उसके बारे में बड़े मिथ हैं. लोग पोर्नोग्राफी में देखते हैं कि पेनिस में जो फिल्मों में जो हीरो है उसका पेनिस का साइज बहुत बड़ा है. ऐसा नहीं होता है. दीज आर सम ट्रिक्स ऑफ कैमरा. तो एक एवरेज पेनिस का साइज इरेक्शन के बाद यदि 3.5 से 6.5 इंच के आसपास आ रहा है तो वो बहुत बढ़िया साइज है. पेनिस का जो साइज है ये डिपेंड करता है आप किस कम्युनिटी से हैं, किस रेस से हैं. लाइक यू आर एशियन, यू आर अमेरिकन, यू आर अफ्रीकन, तो हर कम्युनिटी हर रेस के अंदर साइजेज अलग अलग हैं. आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है इस पर आपका साइज डिपेंड करता है. सबसे अजीब चीज ये है कि जो पेनिस का साइज है वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है, क्योंकि पेनिस जाना है वेजाइना के अंदर. यदि हम वेजाइना के साइज को देखें तो वहां से एक बच्चा निकलता है. तो इतना बड़ा साइज और इतना मोटा पेनिस का साइज किसी का नहीं हो सकता है. तो पेनिस का साइज का इंपॉर्टेंस क्या है? पेनिस का साइज का इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना सा है कि हाउ यू प्ले क्रिकेट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. यदि आप क्रिकेट बांस से खेल रहे हो तो उससे आप अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाओगे. यदि आप एक छोटे बल्ले से भी 100 रन बना रहे हो तो यू आर ए गुड प्लेयर. तो पेनिस का जो साइज है उसके मिसकंसेप्शन को दूर करना सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप इस चीज में मत जाओ कि आपके पेनिस का साइज दूसरे के पेनिस के साइज से कितना छोटा या बड़ा है. पेनिस आपका बेटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इरेक्शन की क्वालिटी कैसी है, अर्ली जैकुलेशन तो नहीं हो रहा है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द साइज. यदि आप लोगों के पास ऐसे कोई क्वेश्चंस हो जो आप मेरे से सुनना चाहते हैं या जिनके जवाब आप मेरे से चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाएं और अपने मेरे वीडियो के नीचे अपना एक क्वेश्चन लिख दें. इस क्वेश्चन को यदि आप लिख देंगे तो मैं आपको इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा. यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आपको ऐसा लगता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं तो इसको मैक्सिमम आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस.